गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम सब हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था। वर्ण क्या होता है? ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो वह शब्द बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर अ, द, र, क, अदरक। अदरक एक शब्द है जिसका अर्थ निकलता है, यानी कि शब्दों यानी कि वर्णों के ऐसे मेल को जिससे कि कुछ मतलब निकल के आए उसे हम शब्द कहते हैं, क्योंकि उसका एक अर्थ निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसे अदरक को ही अगर हम अ द र क के जगह अ क र द बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए वह एक शब्द नहीं है। इस अर्थात हम यह कह सकते हैं अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ होता है। अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ होता है, जैसे बस, झरना, छतरी, अलमारी, घड़ी, जग, धोबी, हाथ, मछली, मोर, सांप, तितली, चींटी, बंदर, चूहा, राजा, सैनिक, झंडा, घड़ा, हथौड़ा, कमल, सब्जी, शेर, तोता, दरवाज़ा, चम्मच, पेड़, फल, कान, नल, घोड़ा, गमला। बच्चों, आप सभी मेरे साथ साथ भी शब्दों को दोहरा सकते हैं। अब आइए हम अभ्यास करते हैं। पहला शब्द जो है, हमें शब्द बनाना है अक्षरों वर्णों को जोड़ के, वर्णों को जोड़कर हमें शब्द बनाना है। पहला शब्द क्या बन रहा है? श ह र शहर, म ग र मगर, अ म र अमर, न ट ख ट नटखट। दूसरा प्रश्न है चित्र देख कर शब्द लिखो। ये बड़ा ही आसान सा अभ्यास है जिसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। आइए देखें आपको यह पाठ कितना समझ में आया और आप इस अभ्यास को किस तरीके से करते हैं। तीसरा प्रश्न रचनात्मक कार्य है। माँ के साथ रसोई घर में जाकर देखो, वहाँ कौन कौन से बर्तन हैं? किन्हीं पांच के नाम लिखो और नाम के सामने चित्र बनाओ या चिपकाओ। ये आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें आपको किचन रसोई घर मींस किचन में जाकर के पांच बर्तन, जैसे चम्मच हो गया, ठीक है, प्लेट हो गई, उस तरीके से थाली हो गई, कटोरी हो गई, उस तरीके से पांच बर्तन आपको ड्रॉ करने हैं और उसका नाम उसके सामने लिखना है। इतना कार्य करके आप खुद आपको लगेगा कि आपको शब्दों के बारे में कितना ज्ञान हुआ। आप इसका अभ्यास जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए, अपने ही घरों में रहिए। हम सब अगली कक्षा में नए पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।